हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको रेलवे का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये सब हम दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली। ये सारा प्रोसेस जितना भी आपको है, ये सारा प्रैक्टिकली हम इसी वीडियो में आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। पहले इसका थ्योरी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे होता है NGL, नेचुरल ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये मतलब नेचुरल होता है, कहीं अप होता है कहीं डाउन होता है, ऐसे करके होता है। लेकिन ये जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है, अगर स्टार्टिंग में मतलब कभी भी रेल नहीं बनी है, रेल इस जगह किसी भी एरिया में मतलब सिंगल रेल है, लेकिन डबल रेल हमें बनाना है, तो जाहिर सी बात है उसका नेचुरल ग्राउंड लेवल कुछ डाउन होगा, ठीक है। कुछ क्या, काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा, जो भी पानी है वाटर लॉगिंग हो जाएगा, अगर इस नेचुरल ग्राउंड लेवल पे ही अपना काम हम स्टार्ट करें। इसलिए इससे उतने हाइट तक हम अपना ब्लैंक क्या सबग्रेड करते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल से, ठीक है। नेचुरल ग्राउंड लेवल से इतना ऊंचा तक करते हैं, ठीक है। नेचुरल ग्राउंड लेवल से ये जो सबग्रेड हमने लिखा हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया है, इसको इस हाइट तक करते हैं कि हमारा जो वाटर लॉगिंग एरिया है वो ना हो, ठीक है, पानी इसमें ना लगे, इसलिए इसको थोड़ा उठा लेते हैं। और उसके बाद इसका पूरा फार्मेशन करते हैं, इसका लेआउट करते हैं, ठीक है। लेआउट करने के बाद हमारा जो अभी सपोज हमारा ये लेवल जो है प्लेटफॉर्म लेवल है, ठीक है, ये जो है PF लेवल है, PF लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल। और यहाँ से हमारा ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक का टॉप जो है 840 mm से कम या फिर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 840 mm से ना कम हो ना ज़्यादा हो इसका टॉप लेवल, PF टॉप लेवल। इसके अकॉर्डिंग ये पूरा हाइट निकलता है, मतलब ये फॉर्मेशन होने के बाद जब इसके बाद हम करते हैं ब्लैंकेट मटेरियल का फॉर्मेशन, ये जो ब्लैंकेट मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं वो यहीं से इसका डिसाइड होता है कितनी हाइट होगी, ठीक है। ये अगर प्लेटफॉर्म लेवल हाई लेवल पे बना हुआ है, तो अगर नहीं बना हुआ है तो इस प्लेटफॉर्म लेवल पे कहीं ना कहीं तो प्लेटफॉर्म हाई लेवल बना होगा, या फिर आपको ड्राइंग में मिल जाएगा प्लेटफॉर्म हाई लेवल का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये सब लेवल निकलता है। सपोज अगर ब्लैंकेट मटेरियल यहाँ पर ये 0-0 है, सपोज अगर ये 0-0 लेवल है और ये जो है यहाँ पे दे दिया 1500, यानी हाई लेवल इसका 1.5 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको ये फार्मेशन तैयार करना होगा, ठीक है। सबका लेयर बाय लेयर बता देगा कितना कितने का रहेगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं सब मटेरियल पे क्या क्या है। सबसे ऊपर ये जो ब्लैक सा पूरा पट्टी जैसा बना होता है, ये भी फिगर में हम दिखाएंगे आपको, इसे बोलते हैं रेल, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं गेज। ये अधिकतर ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज तो यूज नहीं होता, अधिकतर ब्रॉड गेज ही यूज होता है, ठीक है। 1675 mm इसका डिस्टेंस होता है, 1675 mm, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे लगता है स्लीपर्स, ठीक है। स्लीपर पहले के ज़माने में वुडन का, लोहे का भी यूज होता था, लेकिन मॉडर्न ज़माने में RCC का यूज हो रहा है, और इसका मैन्युफैक्चर रेलवे गवर्नमेंट कराता है, जिसके पास ही सारा कोड है उसको ही सब कुछ इसका तरीका पता है, तो ये इंडियन रेलवे ही स्लीपर को बनाता है, ठीक है। इसके बाद स्लीपर के जस्ट नीचे स्लीपर को कैरी करने के लिए ये पूरा बैलास्ट बिछाया जाता है, पूरा बैलास्ट होता है, ठीक है। ये पूरे बैलास्ट को स्लीपर को स्टेबल करने के लिए रहता है, और रेल का पूरा लोड इसी के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये सबसे मेन होता है, ये बढ़िया से आपको देखना है कि बिछाए कि नहीं बिछाए, ठीक है। और इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे ब्लैंकेट मटेरियल होता है। अब ये ऑप्शनल होता है ब्लैंकेट मटेरियल, देखिए ये मोरम और स्टोन चिप होता है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है, मोरम जो समझ सकते हैं आप लाल लाल होता है, ठीक है, वो सबका मिक्स होता है ये ब्लैंकेट मटेरियल, ठीक है। अब इसको इसलिए यहाँ पे डाला जाता है जिस जगह पे ड्रेनेज प्रॉब्लम है, मतलब पानी बहने की प्रॉब्लम है, या फिर काफ़ी हैवी रेन फॉल हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे इसे करते हैं, इसलिए कि अगर ये मटेरियल नहीं डालेंगे और ज़्यादा पानी हुआ तो कीचड़ बन के मिट्टी ऊपर आने लगती है, इसके अंदर अगर आ गई बैलास्ट के अंदर तो बैलास्ट दबने लगेगा, जिससे हमारा स्लीपर स्टेबल नहीं होगा, इसलिए हम ब्लैंकेट मटेरियल डालते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है, इसको डालना ही चाहिए, ठीक है, इसी को हम सबग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, स्लीपर समझ में आ गया, बैलास्ट समझ में आ गया, और ब्लैंकेट मटेरियल समझा दिए हमें, और सबग्रेड इसलिए करते हैं लो लेवल को हाई लेवल में करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं
इसके साइड पे इसका काम कैसे होता है, ठीक है। चलिए वीडियो दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा ब्लैंकेटिंग मटेरियल बिछ गया है, इसका लेवल हो गया है, और उसके बाद जगह जगह पे इस टाइप का बोल्डर बैलास्ट रखा हुआ है। ये बैलास्ट बिछेगा और जो ये देख सकते हैं आप, ये ब्लैंकेटिंग मटेरियल था और ये पूरा बढ़िया से इसको कंपैक्ट किया जाता है इसे गिराने के बाद। और ये सब ग्रेड है, जो मिट्टी आपको देख रही है यही सब ग्रेड है। इसके नीचे देख लीजिए कितना डाउन है, वही था हमारा NGL, एकदम काफ़ी नीचे है, वहाँ पे गड्ढे दिख ही रहे हैं आपको। और ये देखिए बैलास्ट इतने बड़े बड़े हैं। इसको इसके ऊपर बिछाया जाएगा, इस ब्लैंकेटिंग मटेरियल के ऊपर, उसके बाद से स्लीपर रखा जाएगा। स्लीपर रखने के बाद रेल लगेगी। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाते हैं आपको, अभी दिखाते हैं कुछ ही देर में कि कैसे रेल फिक्स हुई है। ये देखिए पूरा मटेरियल लगा हुआ है, ये ठीक है पूरा बैलास्ट रखा हुआ है। अभी हम घूमते हैं हम दूसरे साइड और दिखाते हैं आपको पटरी कैसे फिक्स हुई है, ठीक है। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा बढ़िया से इसका लेवल कर दिया गया है बैलास्ट का। उसके बाद आप देखिए ये पटरी फिक्स हो रही है, स्लीपर रखा जा रहा है और पटरी लग रही है जस्ट इसके ऊपर। आप देख सकते हैं पूरे फिगर में क्लियरली आपको दिखाया गया है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक सब कुछ पता चल गया होगा, रेलवे का काम कैसे होता है, इसका फार्मेशन कैसे तैयार किया जाता है, सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टाइप के वीडियो देखनी है आपको तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।